ये तुर्किश पुलिस है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये झूले लगे हुए बच्चों के लिए। कैटों को यहाँ पर कैडी बोलते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बिन बने हुए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रज़ा अली तुर्की इस्तांबुल से और आप देख रहे हैं रज़ा अली फैंस यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। तो आज पाकिस्तान में भी एक साथ ही ईद है, यहाँ भी। यहाँ तो रोज़े पूरे 30 हुए थे, पाकिस्तान में 29 हुए। तो पाकिस्तान वालों को और जो जो मुझे जहाँ से देख रहा है सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। यहाँ पर 4 दिन का जो है ना लॉकडाउन है, 4 से 5 दिन का, लेकिन कुछ देर के लिए इन्होंने इजाज़त दी है। ये मेरे पीछे जो है ना बड़ी पार्क है, काफ़ी बड़ी पार्क है, तो इसमें इजाज़त दी है। तो इधर जो है ना वो इंजॉय करते हैं थोड़ी देर के लिए। मास्क ना पहनने पे जुर्माना भी यहाँ पे फाइन है। तो फिर मैंने मास्क दोबारा से ना पहन लिया। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, तो मैं इधर का आपको जो है ना कल्चर दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ईद कैसे मनाई जाती है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। आज बहुत खुशी का मौका है, ईद का दिन है, तो वीडियो को पूरा देखना है आपने, ठीक है। ये तुर्किश पुलिस है। ये पार्क की जो है ना एंट्रेंस है, और यहाँ पर जो है ना ईद सेलिब्रेट हो रही है। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि भी इतना भी टाइम देंगे कि नहीं देंगे। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है ये। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के वैसे ईद की नमाज़ पढ़ने को इन्होंने वो जो है ना वो टाइम नहीं दिया, मस्जिदें बंद थी, सब कुछ, इजाज़त नहीं दी इन्होंने ईद की नमाज़ की। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, चलो बाहर तो निकलने दिया। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि बाहर भी निकलने देंगे कि नहीं। तो मेरे साथ ही रहिएगा। देख सकते हैं इन्होंने भी फूल पकड़े हुए हैं, पौधे। तो यहाँ पर जब खुशी का मौका आता है तो ये फूल देते हैं, जैसा कि मैंने आपको मदर डे पे भी दिखाया था, सबको जो है ना फूल देते हैं ये। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से सैनिटाइज करके तो फिर जाएंगे। पीछे जो है ना पानी भी इन्होंने रखा हुआ है पीने के लिए, मिनरल वाटर, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये दे रहे हैं फाते बल्दे। तभी मैं सैनिटाइज करके तो मैं आगे जाता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं, इधर लाइन लगी थी पहले, मैंने ऊपर से आपको दिखाया था। तो यहाँ पे इन्होंने खाने का अरेंज भी किया हुआ है, खाना जो है ना ये बॉक्स में जो है ना पैक करके दे रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं, मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, अंदर जो है ना शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी बस चलते हैं आगे, आगे म्यूज़िक चल रहा है, आगे जाके देखते हैं आगे क्या सीन है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है, ठीक है, पाकिस्तान में। और जिधर जिधर से मुझे लोग देखेंगे मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये कितने प्यारे खूबसूरत फूल हैं, ये देखिए आप व्यूअर्स। यहाँ पर तुर्की में ईद मुबारक को कहते हैं बायरम कुतलु ओलसन, बायरम लर भी कहते हैं। इस मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज बना हुआ है। कुछ देर पहले यहाँ पर ना शो हो रहा था, तो घर तक आवाज़ आ रही थी म्यूज़िक की। तो अभी मेरे ख्याल से इन्होंने बंद कर दिया, शायद अभी दोबारा से करते हैं या नहीं करते, अगर करेंगे मैं आपको दिखा दूँगा व्यूअर्स। तो आज की जो रेसिपी है वो चिकन कढ़ाई है, लाहौरी चिकन कढ़ाई मैं बनाऊँगा, लेकिन वो जो ना डिटेल में आपको दिखाऊँगा नहीं, रेसिपी पूरी आपको मैं दिखा नहीं सकूँगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना, तो इस वजह से ना वीडियो पे टाइम लगता है, साथ साथ काम करूं और साथ में जो है ना वीडियो बनाऊं उस पर टाइम लग जाता है। आज ईद का दिन है तो आज मैं जो है ना व्लॉग बना रहा हूं पूरा, तो आपको जो है ना वो दिखा दूंगा कैसी बनी है, ठीक है। नए आने वालों से गुजारिश है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी तुर्की की सैर कराऊँगा,
आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें या मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है, इस पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक बाकायदा वीडियो बना के तो अपलोड कर दूँगा। और यहाँ पर जो मज़ारात हैं सहाबा कराम के, अंबिया कराम के जो मज़ारात हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, जिनका मुझे पता है वहाँ पर मैं आपको लेके जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, सारी डिटेल से आपको बताऊंगा कि मैं तो इस्तांबुल में रहता हूँ, इस्तांबुल से कैसे उस जगह पे जाया जा सकता है। अंबिया कराम के मज़ार हैं और सहाबा कराम के जो मज़ार हैं उनकी मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिस जिसको फूल पसंद है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना पिक्चर बना के दे रहे हैं 40 लीरा की, 40 को यहाँ पर किर्क लीरा बोलते हैं, ये 40 लीरे की जो है ना ये पिक्चर बना के दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेम में, इस तरह पिक्चर बना कर फ्रेम में जो आपको ना करके देते हैं पिक्चर 40 लीरा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये झूले लगे हुए बच्चों के लिए, बहुत बड़ा पार्क है ये। ट्रैक बना हुआ है, कैटो कैटो कितनी प्यारी कैटो है, हेलो नेसन प्यार करेगी अभी, लाडियां करेगी मेरे साथ, हेलो कैडी कैडी, कैटो को यहाँ पर कैडी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पर, मुझे चलना चाहिए घर क्योंकि जो मेरे फ्लैट के लड़के हैं ना उनमें से किसी को पता नहीं है शायद कि पार्क खुला हुआ है आज, तो यहाँ पर जो है ना रौनक है कितनी, तो मैं जाकर उनको भी बताता हूँ ताकि वो भी जो है ना ईद को एंजॉय कर सके। ठीक है तो चलते हैं अभी, फिर कागज़ वगैरह गत्ते फेंकने तो इसमें जाएगा, ठीक है, अगर आपने कोई प्लास्टिक की बोतल या कोई वो टीन पैक फेंकना है तो वो इसमें जाएगा, अगर आपने शीशे की बोतल फेंकनी है तो वो इसमें जाएगा, देखो, और अगर आपने कपड़े फेंकने तो कपड़े जो है ना वो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर सफाई का बहुत अच्छा निज़ाम है, सफाई का बहुत ख्याल करते हैं यहाँ पर। बस तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, तो कढ़ाई बना कर दिखाता हूँ, मुकम्मल डिटेल से नहीं आपको दिखाऊंगा मैं, बस जब तैयार करके फिर दिखाऊंगा क्योंकि मैंने वीडियो भी एडिट करनी है, इस पर टाइम काफ़ी लगता है, तो हो सकता है ये मैं रात को जो है ना पोस्ट करूँ वीडियो आज की। ठीक है तो अभी घर चलते हैं। जी व्यूअर्स तो मैं घर पहुँच गया हूँ, तो इन लोगों को मैं बताता हूँ, भाई लोग पार्क ओपन है, जाकर ईद एंजॉय करें आप सब। लो जी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी है, ये देखें माशाल्लाह, ये मेरी तरफ से आप सबको ईद का तोहफा, ठीक है जी, ये ले एंजॉय करें आप। व्यूअर्स तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ है कि अल्लाह पाक आपके माल जान औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाएँ, अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी ता फरमाएँ।